प्रदोषवर्थ आयु बुद्धि आरोग्यता या चाहो संतान शिव पूजन वधिवत करो दुख हरे भगवान। प्रदोषवर्थ हिंदू तिथि के अनुसार 13वें दिन यानी त्रयोदशी को होता है। त्रयोदशी अथवा प्रदोषवर्थ हर महीने में दो बार आता है, एक बार शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। इस व्रत में भगवान महादेव की पूजा की जाती है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के राजा भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का सत्वन करते हैं। प्रदोष व्रत को करने से हर प्रकार का दोष मिट जाता है और शिव धाम की प्राप्ति होती है। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्री को अधर्म से ग्लानि होती है और सुहागिन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर जी पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गौ दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो भी विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सप्ताह के 7 दिनों के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व है। प्रदोषवार परिचय एवं महत्व। रवि प्रदोष आयु वृद्धि व स्वास्थ्य लाभ हेतु रविवार को प्रदोष व्रत करें। रवि प्रदोष को भानु प्रदोष भी कहा जाता है। सोम प्रदोष अभीष्ट सिद्धि हेतु अर्थात इच्छित फल प्राप्ति हेतु सोमवार को प्रदोष व्रत करें। सोम प्रदोष को सौम्य प्रदोष भी कहा जाता है। मंगल प्रदोष रोगों से मुक्ति व स्वास्थ्य और ऋण से मुक्ति हेतु मंगलवार को प्रदोष व्रत करें। मंगल प्रदोष को भोम प्रदोष भी कहा जाता है। बुध प्रदोष सर्व कामना सिद्धि हेतु और शिक्षा व ज्ञान प्राप्ति के लिए बुधवार को प्रदोष व्रत करें। बुध प्रदोष को सौम्य वारा प्रदोष भी कहा जाता है। गुरु प्रदोष शत्रु विनाशक हेतु और पितरों से आशीर्वाद के लिए बृहस्पतिवार को प्रदोष व्रत करें। गुरु प्रदोष को गुरुवारा प्रदोष भी कहा जाता है। शुक्र प्रदोष सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि हेतु शुक्रवार को प्रदोष व्रत करें। शुक्र प्रदोष को रघुवारा प्रदोष भी कहा जाता है। शनि प्रदोष पुत्र प्राप्ति हेतु और नौकरी में पदोन्नति की प्राप्ति के लिए शनिवार को प्रदोष व्रत करें। प्रदोष व्रत विधि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान शंकर का स्मरण करें, निराहार रहे, सायकाल सूर्यास्त से 1 घंटा पूर्व स्नान आदि कर्मों से निवृत्त हो श्वेत वस्त्र धारण करें। पूजन स्थल को स्वच्छ जल और गाय के गोबर से लीप कर मंडप को भली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुशा के आसन पर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और शंकर भगवान का पूजन करें। ओम नमः शिवाय।
इस पंच अक्षर मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ावे और ऋतु फल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जल धारा टूटे नहीं। इसी प्रकार मंत्र का जल लयबद्ध हो। जल चढ़ाते समय यदि आंखें खुली हुई है तो दृष्टि जलधारा पर टिकी हो। यदि भाव में आंखें मुंद गई हो तो ध्यान जप के शब्दों अर्था के साथ चल रहा हो। यदि मंत्र के उच्चारण में गूंज पैदा कर सकें, अर्थात मंत्र यदि ओठ कंठ और नाभि प्रदेश के संवित रूप में उठे तो यह और प्रभावी होगा। प्रदोष व्रत उद्यापन विधि। इस व्रत को 11 त्रयोदशी अथवा वर्ष भर की 26 त्रयोदशी को व्रत करने के उपरांत उद्यापन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। उद्यापन से एक दिन पूर्व श्री गणेश पूजन किया जाता है। पूर्व रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण किया जाता है। प्रातः जल्दी उठकर मंडप बनाकर मंडप को वस्त्रों और रंगोली से सजाकर तैयार किया जाता है। ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का एक माला यानी 108 बार जाप करते हुए हवन किया जाता है। हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है। हवन समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती की जाती है और शांति पाठ किया जाता है। अंत में दो ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। प्रदोष व्रत कथा। किसी समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पुनित गीता के तट पर ऋषि समाज द्वारा एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें व्यास जी के परम प्रिय शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। शौनकादि 88,000 ऋषि मुनिगण ने सूत जी को दंडवत प्रणाम किया। सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषिगण को आशीर्वाद दे अपना स्थान ग्रहण किया। ऋषिगण ने विनती भाव से पूछा, हे परम दयालु, कलयुग में भगवान शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? कलिकाल में जब मनुष्य पाप करण में लिप्त हो, वेद शास्त्र से भी मुख रहेंगे, दीनजन अनेक कष्टों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्य मार्ग में किसी की रुचि न होगी, पुण्य क्षीण हो जाएंगे एवं मनुष्य स्वस्थ ही अस्त कर्मों की प्रेरित होगा। इस पृथ्वी पर तब ज्ञान मनुष्य का यह कर्तव्य हो जाएगा कि वह पथ से विचलित मनुष्य का मार्गदर्शन करे। अतः हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिसे करने से मनवांछित फल की प्राप्ति हो और कलिकाल के पाप शांत हो जाए? सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषिगण, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार प्रशंसनीय वह जन कल्याणकारी है। आपके हृदय में सदा परित की भावना रहती है, आप धन्य हैं। हे शौनकादि, हे ऋषिगण, मैं उस व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसे करने से सब पाप और कष्ट नष्ट हो जाते हैं तथा जो धन वृद्धि कारक सुख प्रदायक संतान व मनवांछित फल प्रदान करने वाला है। हे ऋषिगण, यह प्रदोष व्रत जिसका वृतांत मैंने सुनाया, किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को और वेद व्यास मुनि जी ने मुझे सुनाया था। प्रदोष व्रत में प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव जी का मनन करें, मंदिर जाकर शिव आराधना करें, माथे पर त्रिपुण धारण करें, बेल धूप दीप अक्षत व ऋतु फल अर्पित करें,
रुद्राक्ष की माला से सामर्थ्यानुसार ओम नमः शिवाय जपें, ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें, तत्पश्चात मौन व्रत धारण करें, संभव हो तो यज्ञ हवन कराएं। ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से यज्ञ स्तुति दें, इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत में व्रती एक समय भोजन करे और पृथ्वी पर शयन करे, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में इस व्रत का विशेष महत्व है। सभी मनोरथ इस व्रत को करने से पूर्ण होते हैं। सूत जी आगे बोले, सप्ताह के 7 दिनों के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व है। जो व्रत करना हो उस वार को पढ़ने वाली त्रयोदशी का चयन करें, तथा उसी वार के अनुसार कथा पढ़ें और सुने। वार के अनुसार जो व्रत किया जाए तदनुसार ही उसका फल प्राप्त होता है। सोनकादि ऋषि बोले, हे दयालु, कृपया आप सोम त्रयोदशी व्रत के बारे में बताइए। सूत जी बताने लगे, सोम त्रयोदशी प्रदोष व्रत से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। व्रती के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती है। भिक्षाटन से ही वह स्वयं वह पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उस व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पूर्ण प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के माध्यम से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। ओम जय शिव ओम कारा स्वामी जय शिव ओम कारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगनी धारा ओम जय शिव ओम कारा एकानन चतुरानन पंचानन राज स्वामी पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साज ओम जय शिव ओम कारा दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे स्वामी दस भुज अति सोहे त्रिगुण रूप निखरते त्रिगुण रूप निखरते त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओम कारा
अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी स्वामी वुंडमाला धारी त्रिपारी कंसारी त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर भागांबर अंगे स्वामी भागांबर अंगे सनकादिक गरुणादिक सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी स्वामी चक्र त्रिशूल धारी सुखकारी दुखहारी सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका मधु कैटप दो मारे मधु कैटप दो मारे सुर भैहि न करे ओम जय शिव ओंकारा। लक्ष्मी वै सावित्री पार्वती संगा स्वामी पार्वती संगा पार्वती अर्धांगनी पार्वती अर्धांगनी शिवलहरी गंगा ओम जय शिव ओंकारा। पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलाशा स्वामी शंकर कैलाशा भांग धतूर का भोजन भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा ओम जय शिव ओंकारा। जटा में गंग बहत है गल मुंडल माला स्वामी गल मुंडल माला शेष नाग लिपटावट शेष नाग लिपटावट ओढ़त मृग छाला ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी स्वामी विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी सिनित उठ दर्शन पावत निट उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगनी धारा ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा। ओम नमः शिवाय।